कैसे बना वो कानून, कितनी है सजा का प्रावधान जिसके तहत फंसे धीरेंद्र शास्त्री। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर उन्होंने अपनी सफाई भी दी है, लेकिन विवाद है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि नागपुर अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने पुलिस से धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ दो कानूनों के तहत शिकायत की है। इनमें पहला कानून जादुई दवा से इलाज के विज्ञापनों और दावों पर प्रतिबंध लगाता है। भारतीय संसद से पारित इस कानून को औषधि और चमत्कारिक उपचार अधिनियम 1954 यानी ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 कहा जाता है। दूसरा कानून महाराष्ट्र राज्य विधानसभा ने पारित किया था, जिसे महाराष्ट्र मानव बलिदान व अन्य अमानवीय बुराई और अघोरी प्रथा व काला जादू रोकथाम एवं उन्मूलन अधिनियम कहते हैं। इस कानून को अंधश्रद्धा विरोधी कानून भी कहा जाता है और माना जा रहा है कि इस बेहद कठोर कानून के तहत शिकायत करने के कारण ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने नागपुर में कथा बंद की थी। आइए आपको बताते हैं कि यह कानून इतना सख्त क्यों है और ये कैसे और कब बनाया गया था। कहा जाता है कि अंधश्रद्धा विरोधी कानून को बनाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष चला था। इस कानून की मांग महाराष्ट्र अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के संस्थापक नरेंद्र दाभोलकर ने की थी, जो मशहूर सोशलिस्ट एक्टिविस्ट थे। करीब 5 साल संघर्ष के बाद उन्होंने साल 2003 में इस कानून का ड्राफ्ट राज्य सरकार के सामने पेश किया था। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे की सरकार ने जुलाई 2003 में ड्राफ्ट को मंजूरी देकर केंद्र सरकार के पास भेजा, लेकिन इसके बाद ये लटक गया। लेकिन साल 2005 में सोशल एक्टिविस्ट श्याम मानव ने इस ड्राफ्ट में सुधार किए और तब शीतकालीन सत्र में ये विधानसभा में पेश किया गया था। इसके बावजूद ये कानून नहीं बनाया गया। इतना ही नहीं, इस कानून को तैयार करने के लिए नरेंद्र दाभोलकर कई संगठनों के निशाने पर भी आ गए थे। उनकी लगातार खिलाफत हो रही थी। 20 अगस्त 2013 को उनकी सुबह टहलते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दाभोलकर की हत्या के बाद उग्र प्रदर्शनों को देखकर महाराष्ट्र सरकार ने 4 दिन बाद ही ड्राफ्ट को अध्यादेश के जरिए कानून बना दिया। बाद में दिसंबर 2013 में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में ये ड्राफ्ट कानून के तौर पर पारित कर दिया गया। इसके बाद सालों से प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची लगातार कम होती गई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 6 मानव बलियों के केस आए और टोने टोटके की वजह से 68 मौतें हुई। अगस्त 2018 में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दाभोलकर के शूटरों में से एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। सजा किसी को नहीं हुई। क्या है इस कानून में? इस कानून के तहत जादू टोना, मानव बलि, जादू के जरिए बीमारी ठीक करने और ऐसे ही बाकी कामों पर रोक लगाई गई है। इसमें उन सभी प्रथाओं को अपराध घोषित किया गया है जिनमें लोगों के अंधविश्वास का गलत फायदा उठाए जाने की संभावना है। इस कानून में 12 क्लोज में अंधविश्वास से जुड़े हर तरह के अपराध को परिभाषित किया गया है। कितनी सजा का है प्रावधान? इस कानून के तहत अंधविश्वास फैलाने को संज्ञेय अपराध मानते हुए गैर जमानती व दंडनीय बनाया गया है। इसके तहत विभिन्न अपराध में न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 7 साल तक जेल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा आरोपी पर 5,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।